प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है, जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है। राज तुम्हें देने के लिए, राज तुम्हें आज का संदेश प्रभु के दास जोसी अब्राहम आसम से वाटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। हमें सुनने वाला हर एक भाई बहनों को और एक बार जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज का मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे इफिसियों का पत्री 1 अध्याय उसका 4 पद। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। पिछले सप्ताह हम लोग 1 अध्याय 33 पद से हम लोग देख रहे थे और उधर हमें देखा कि हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीष हमें दिया है। हम विश्वासी लोग आशीषित लोग हैं, आशीष पाए हुए लोग हैं। हमें सब प्रकार की स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष हमें मिला है, उसके बारे में हम लोग पिछले सप्ताह हम लोग देख रहे थे। और इधर 4 से 14 पद तक हम लोग देखने से हम देख सकता है परमेश्वर से हमें क्या क्या आशीष मिला है। और उसमें 3 से 6 पद तक वहाँ का विषय है पिता परमेश्वर से हमें क्या क्या आशीष मिला। 7 से 12 पद तक उधर हम लोग देख सकता है पुत्र परमेश्वर से हमें क्या आशीष मिला। और 13 और 14 पद में पवित्रात्मा परमेश्वर से हमें क्या आशीष मिला, इन बातों को हम लोग इधर देख सकता है। और उसमें पिता परमेश्वर से मिला हुआ पहला आशीष के बारे में हम लोग इसका 4 पद में हम अभी पढ़ा है। वो पिता परमेश्वर से मिला हुआ पहला आशीष क्या है हम लोग उधर देख सकता है। उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। परमेश्वर हमें चुन लिया है। यूहन्ना रसूल समाचार 15 अध्याय उसका 16 पद में हम लोग पढ़ता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। इधर हम लोग देख सकता है हम उसको मतलब परमेश्वर को नहीं चुना, लेकिन परमेश्वर हम लोग को चुना है। रोमियों का पत्री 3:10-11 पद में बढ़ता है, जैसे लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। एक भी धर्मी नहीं है और कोई भी समझदार नहीं है और परमेश्वर का खोजने वाला कोई नहीं है, इसलिए हम परमेश्वर को नहीं चुना है। तसलोनिकियों का 1 पत्री 1 अध्याय उसका 4 पद में ऐसे पढ़ता है, ए भाइयों परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो। हम परमेश्वर के जो लोग हैं, हम विश्वासी लोग हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का समय में हम लोग उद्धार पाया है। हम लोग इफिसियों का पत्र 1:13 में हम लोग देख सकता है, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारा उद्धार के सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। जब हम सुसमाचार सुनकर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसी समय हमारा उद्धार हुआ है। लेकिन हम ये जानना चाहिए कि हम लोग चुने हुए लोग हैं। वही बात हम लोग तसलोनिकियों का 2 अध्याय उसका 13 और 14 पद में हम लोग देख सकता है, ए भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया
कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करें। परमेश्वर हमें चुना है और हमें सुसमाचार के द्वारा बुलाया और इसी प्रकार हम लोग उद्धार के अनुभव में आया है। इसलिए हमें घमंड करने के लिए कोई भी कुछ भी बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमें चुना है। और दूसरा विषय है, कब हमें परमेश्वर चुना है। हम इधर ऐसे पढ़ते हैं इफिसियों का पत्र 1:4 में, उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। पिता परमेश्वर हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुना है। ये हमारे लिए आश्चर्य के बात है। जगत की उत्पत्ति मतलब जब कुछ भी नहीं थे, ऐसा समय। बाइबल ऐसे शुरू होता है, उत्पत्ति 1:1 में, आदि में परमेश्वर आकाश मंडल और पृथ्वी का सृष्टि किया। उसका पहले के समय के बारे में हम लोग सोच नहीं सकता है, उसके बारे में हम लोग समझ नहीं सकता है। मतलब जब कुछ भी नहीं थे, जगत नहीं थे, जब आकाश नहीं थे, जब जगत नहीं थे, कुछ भी नहीं था, शून्य था, सिर्फ परमेश्वर थे और कुछ भी नहीं थे। और ऐसा समय में जगत की उत्पत्ति से पहले हम इधर देख सकता है, उसमें हमें उसमें चुन लिया है। हम प्रभु को ग्रहण करने का पहले या हमारे जन्म के पहले उतना भी नहीं है, जब इस संसार भी नहीं थे, वो समय जब कुछ भी नहीं थे, वैसा समय परमेश्वर हमें चुना है। हम कितना धन्य लोग हैं, परमेश्वर के चुनाव कितना बड़ा है। हमें कभी भी इस बात को पूरा समझ नहीं सकता है, लेकिन हम लोग ये काम हम लोग कर सकता है। वो क्या है, उस प्रभु के चरणों में गिरकर उसको धन्यवाद दे सकता है, क्योंकि परमेश्वर हमें जगत की उत्पत्ति से पहले हमें चुना है। हम अयोग्य व्यक्ति है, हमें कोई भी खूबी नहीं है, कोई योग्यता हमें नहीं है, फिर भी इस संसार में से हमें अपना प्रिय पुत्र में हमें चुन लिया है। वो भी जगत की उत्पत्ति से पहले हमें परमेश्वर चुन लिया है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, उसको महिमा करेंगे। और क्यों हमें चुना है, वो भी इस पद में हम लोग देख सकता है। प्रभु का इच्छा होने से हम लोग उस बात को अगले सप्ताह में हम लोग देखेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष करे। परमेश्वर का नाम की महिमा हो।